किसान भाइयों, मैं आज भराला गांव में ज्ञान प्रकाश जी के मकान पर पहुंचा हूं। ये पहले रोडवेज में जॉब करते थे, रिटायरमेंट के बाद में अपनी खेती संभाली है इन्होंने। सबसे पहले तो मैं इनको इनके कृषि यंत्र दिखाता हूं। पहले महिंद्रा ट्रैक्टर था, दो सिलेंडर। अब इन्होंने रिटायर होने के बाद में तुरंत नया ट्रैक्टर लिया, जॉन डियर 5105 4x4। मुझसे सलाह ली थी, मैंने 4x4 को ही कहा, इन्होंने इसी कंपनी का ये रोटावेटर खरीद लिया। भाइयों, इनकी अपनी ये ट्रॉलियां हैं खाद वाड़ डालने के लिए, बड़ी ट्रॉलियां हैं, यहाँ के साइज बड़े हैं। और ये भट्टा है इनके भतीजे का, विनीत भरा लगा, ये उनकी मशीन खड़ी है गारा बनाने की। ये भाइयों, आज के टाइम में मजदूर नहीं मिलते, दिक्कत आती है, तो ये इससे गारा बनाते हैं। ये इनकी बुग्गी है, ये गाड़ी है, ये हमारे मामा जी हैं ज्ञान प्रकाश जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? भैया, कर तो रहा हूँ 30 बीघे नंबर पे। अच्छा, कैसे कैसे कर रहे हो, क्या? मैं उसमें दरअसल थोड़ी मिट्टी उठवाई थी मैंने, उसमें ऊंचा नीचा था खेत। अच्छा। तो जो पहला उसमें रासायनिक खाद, वो तो उसमें चला गया मिट्टी में। अच्छा। तो मैं उसमें 2 साल से सरसों बो रहा हूँ, सरसों मूंग उड़द। तो मैंने ये डाला है सुहागा। अच्छा, ये सुहागा है? हाँ, नीला थोता, और ये है फिटकरी। अच्छा, ये बताओ सुहागा क्या भाव मिलता है? ये 60 रुपये है। 60 रुपये किलो जी। तो ये घर में जो खाते हैं भुना, वही है? वही चीज। और ये नीला सोता क्या रेट मिलता है? 170 रुपये को किलो। हाँ। और ये फिटकड़ी क्या भाव? ये 40 रुपये को। तो इनका करो कैसे कैसे है? ये 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से स्वागा। 2 ही किलो ये, 4 नीला सोता, 2 ये, 6, और 4 किलो पर एकड़ आपका वो चूना। चूना मिलाया जाएगा? चूना जो कली बोलते हैं, जिसको कली बोलते हैं। अच्छा, इससे क्या है कि ये जो नीचे से आने वाले रोग हैं वो नहीं आएंगे फसल में, दीमक वगैरह। हाँ, और जाती है। दाना सुंदर और चमकदार होगा। तो आपने मतलब पहले देखा आज मगे? हाँ, मैंने देखा, बहुत अच्छे, मैंने वीडियो बनाई हुई है अपनी, मैंने सरसों बोई थी, बहुत सुंदर सरसों हुई मेरे इसमें है। पैदावार बढ़ी? पैदावार बढ़ी बहुत, सबसे बड़ी बात है क्वालिटी बहुत अच्छी। दिखाना सरसों की वीडियो किस तरह की आपने। हाँ, पीली सरसों। ये फ्रेश कर रहे हैं क्या ये? और ये अच्छा, तेल निकलवा रहे हैं? तेल में, तेल निकलवा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये देखो इनके मोबाइल में इनकी वीडियो है। हाँ, नीचे को देखो तेल को पक रहा है, ये बिल्कुल घी की तरह होता है। तो करोड़ कितना निकलता है इसमें तेल? ये इसमें 45% से ज़्यादा निकलता है। एक क्विंटल में 45 किलो ज़्यादा निकल जाता है। तो इसे कहाँ इस्तेमाल करते हो खाने में? बस अपने यूज़ में लेते हैं, घर पे अपने खाने के यूज़ में, और अब क्या कुछ रिश्तेदारों को दिया और बाकी देखते हैं मैंने ऑर्गेनिक में। देखिए, डिमांड है बहुत मेरे पास। मैं तो किसान भाइयों, आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। ये इनके कृषि यंत्र हैं, टीलर है भाई, ये बहुत ज़बरदस्त है। और ये लेज़र, नमस्कार। घर में ही जामुन का पेड़ है इनके, काली जामुन आती हैं, नीम का पेड़ है दातून के लिए। ऑर्गेनिक तरीके से ये घिया उगा रहे हैं, कोई भी इन्होंने इसमें कीटनाशक वगैरह इस्तेमाल नहीं किया। ये भाइयों, धारी वाला घिया है, देखो एक छोटा सा बच्चा आ रहा है इसमें, ये धारी वाला है। कदम का हो गया, बेल पत्थर का हो गया, करी पत्थर का हो गया, नींबू का हो गया, बादाम का
आम का हो गया। ये कौन सा है? ये कौन सा पेड़ है? ये हार सिंगार। ये हार सिंगार है भाइयों, ये किस काम आवे? ये जोड़ों के दर्द में। अच्छा, जोड़ों के दर्द में। तो कैसे खाया? ये होता है बहुत ज्यादा। ये कैसे खाया जाए? इसकी चटनी बना के उबाल के पानी में पानी पी लो इसका। अच्छा, जोड़ों के दर्द के लिए। बादाम के और उसके पेड़ पीछे हैं। और अभी आपको बागवानी और दिखाता हूँ मैं। केला भी है भाइयों, ये आड़ू का पेड़ है। ये ज्यादा घिनका हो गया, छिद्दा हो जाता ना और बढ़िया। कदम, ये भाइयों कदम का पेड़ है। छाया आती है, फल आता है? छाया भी आती है, फल भी आता है। ये इधर इनका चक्री यहीं पे है, फार्म हाउस समझ लीजिए, बहुत बढ़िया है। ये इनका, हाँ हाँ जी, ये देखिए ट्यूबवेल भी लगा हुआ है। और पीछे इनका चक है, बादाम का पेड़ सामने। अच्छा, ये क्या उड़द बो रखे हैं? हाँ, और इधर एक मसाले का पेड़ है। और भाइयों ये कटहल है, ये कटहल, ये देसी बैंगन, देसी बैंगन है। और ये चारा बो रखा, ये मूंग उड़द है। अच्छा, मूंग उड़द बो रखी है भाइयों। देखो कितना मजा आ रहा है। इनके दूसरे भाई जो बड़े थे करमपाल जी, उनके लड़के हैं मूलचंद। इधर ज्ञान प्रकाश का, इधर मूलचंद का है मकान। और ये इनके अपने ट्यूबवेल हैं। और पानी सारा बैक साइड में जा रहा है। कौन सा? अच्छा, एक जामनी कलर का भी अमरूद है इनके पास में प्योर। और ये देखिए नींबू वगैरह है भाइयों। कुल मिला के बहुत अच्छी जगह रह रहे हैं, इतनी जगह तो चाहिए किसान को। ये नींबू है मोटे मोटे, देखो। इधर पीछे चक्का है, ये हैरो पड़ी इनकी। और ये ट्रॉली खड़ी है, कृषि यंत्र है। यहाँ हमारे दोराला मिल में इस तरह की ट्रॉली चलती है भाइयों, बिल्कुल सिंपल डेगा। ये देखिए कोई चटक मटक नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, इन्हीं में गन्ना जाता है। इसी तरह की हम पसंद करते हैं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से रखे हुए हैं टीलर वगैरह, टीलर लेजर। और एक ये गन्ने में जुताई करने वाला कंटीमीटर है, अपने छावे में रखे हुए हैं। और यहाँ भूसा डाल रखा है इन्होंने। गर्मियों में अपने आप भी नहाओ, मेहमान आवे उसे भी खुद में बांट दो, नजी लगता है। जोड़ा है लगा हुआ, देखिए भाई कितना आनंद आता है नहाने में। स्वर्ग है यो, बादाम का वो, नींबू का कहाँ ना, और नहीं है बस वही है। वो तो वैसे खड़ा कबाड़ वबाड़ के तो जैसे कोरोना चल रहा था यहाँ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आई? हाँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई। एक तो खुली जगह है गांव में, इतनी भीड़ भड़क कर नहीं है। दूसरी बात यह है अपना खाने पीने की सब्जी सब अपने घर की है। ये लड़का है इनके पास में, नौकर है। कहाँ का रहने वाले बेटे तुम, बताएगा नहीं? भाइयों इनके पास में करी पत्ता का पेड़ है। ये किस काम आता है? ये एक तरह मसाला है, सब्जी में डाल लो किसी में भी, किसी भी। अच्छा में अच्छा, आलू की तरह किसी भी चीज में। और ये उड़द भी तैयार हो रहा है नर्सरी। मूंग है देखो, फल सारा मूंग। तो भाइयों देखिए कितनी खुली जगह है। और यहाँ भी, और पीछे बैक साइड में दिखाया था मैंने। किसान के अगर इतनी खुली जगह हो तो कुछ भी उगा सकते हैं किसान। तो वीडियो जरूर भाइयों आपको पसंद आई होगी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नमस्कार, अब हम आगे बढ़ते हैं।